आज इस वक्त हम पशुआ कल्याण तालुका के राजेश्वर विलेज में मोहरम त्यौहार बहुत धूमधाम से राजेश्वर में तमाम मजहब के लोग मिलके मनाते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मोहरम और पोला दोनों ईद रहेगा हमारे गांव में। ये मोहरम और पोला ये दो चीज़ ऐसे हैं जो राजेश्वर में तमाम मजहब के लोग मिलकर मनाते, जिस तरह पोला मनाते हैं इस तरह ये भी ईद मोहरम सब हर कास्ट के लोग यहाँ पर सौओं की तादाद में नहीं बल्कि हजारों की तादाद में अवाम शामिल रहती है। ऊपर वाला सभी लोगों को सभी को अच्छे रकम दे। ये एक मजहब के नहीं बल्कि कई मजहब के लोग यहाँ पर शामिल रहते हैं। गांव की तरफ से और गया मासूलदार इंडियन न्यूज़ बहुत बहुत शुक्रिया हम करते हैं। तो आइए हम आपको बताएंगे कि इसी को लेकर सिगी साहब संतोष सिगी साहब ने आज भी हम परंपरा जैसा पिछला चला था वैसा भी आगे लेकर चलेंगे। हुसैन बादशाह का आशीर्वाद हम सभी लोगों को रहने दो। और दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय सिगी मोटर्स इलेक्ट्रिक टू व्हीलर शोरूम अपोजिट केएबी ऑफिस दुबई प्लाजा अहमदाबाद बाय क्यूपी हॉस्पिटल एक्सीडेंट ट्रॉमा सर्जिकल एंड क्रिटिकल केयर गुलबर्गा। आज राजेश्वर ग्राम में मोहरम त्यौहार बहुत धूमधाम से और सब लोग मिलके सब समाज के लोग मिलके आज एक यात्रा की तरह आज सब लोग मिलके बना रहे हैं। वैसा ही राजेश्वर में कभी भी सब जात के लोग मिलके एक त्यौहार बहुत बड़ा मनाते हैं। ऊपर वाला सभी लोगों को सभी को अच्छे रकम दे। वैसा ही राजेश्वर में और एक ईद मनाते हैं पोला मिलके बोल के, उसमें भी सभी समाज के लोग आज बहुत ही अच्छा बनाते। मैं ऊपर वाले से दुआ मांगता हूँ कि सब लोगों को अच्छा बना के रखेंगे। आज जीतने में आ रहे हैं सर कि आप जो चाहने वाले आपके टी शर्ट आपके आपके फोटो लगा के नजर आ रहे हैं कई लोग यहाँ पर। अभी चाहने वाले तो रहते, हम तो ये नहीं बोल सकते कि चाहत के वजह से उन्होंने दाल लेके आए, उनको मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी लोगों को मोहरम का ईद मुबारक। और ऐसा ही राजेश्वर ग्राम में बहुत ही बड़ा हिसाब से एक राजेश्वर में ऐतिहासिक बोले तो एक मोहरम और पोला दोनों ईद बहुत बड़ी हिसाब से हो जाता है। और एक बात पूरे जात नापात सब लोग मिलकर ये बहुत एक बड़ा हिसाब से हमारे गांव का एक इतिहास है। हर एक गांव में एक ईद हुआ तो हमारे गांव में दो ईद हो जाता है, बड़ा ईद एक एक पोला और एक मोहरम। ये दोनों ईद हर एक जात सब लोग मिलकर हमें ईद मनाते हैं। ये ईद में ऐतिहासिक से लेकर पैसा पहला जो था वैसा हिसाब से आज तक भी हम लोग पीर बिठाते वक्त भी और पीर उठाते वक्त भी जैसा लोग पटेल पटवारी और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष पूरे सदस्य और पूरे गांव के लोगों को लेकर कैसा जो हिसाब से करना है वो हिसाब से आज भी हम परंपरा जैसा पिछला चला था वैसा भी आगे लेकर चलेंगे। आगे आने वाले दिनों में भी आपसे भी और ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर हम और पूरे ग्राम के पूरे निवासियों लोगों मिलकर और इससे भी बड़ा हम फंक्शन करेंगे। ऐसा ही मोहरम और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मोहरम और पोला दोनों ईद रहेगा हमारे गाँव में। ये बोलते हुए और एक बात कुछ भी रहे तो भी पूरे लोग हर एक जात पात के लोग पूरे हमारे पास सिंगा लोग आंदे। और एक बात हर एक आदमी किसी को घर को जाकर बुलाने का जरूरत नहीं, हर एक आदमी दिल से आकर जो भी उनका मन्नत है। और एक बात हमारे गांव से कोई भी बाहर रहने दो और बाहर कहाँ पर भी बम्बई रहने दो हैदराबाद रहने दो कहाँ पर भी रहने दो कहाँ पर है तो आकर उनका मन्नत जो भी है और मन्नत हुसैन बादशाह को ये कराती हूँ। और एक बात हुसैन बादशाह का एक आशीर्वाद है। और एक बात हमारे गली है, इस गली का नाम ही हुसैन बादशाह गली बोलते हैं। और एक हुसैन बादशाह का आशीर्वाद हम सभी लोगों को रहने दो। और एक बात पूरे गांव के लोगों को हुसैन बादशाह का आशीर्वाद रहने दे बोलकर मेरी चार शब्द बात खत्म करता हूँ।
आज के दिन एक बड़ी खुशी का और जश्न का दिन है। यहाँ पर पूरे कौम के लोग, हर जात पात के लोग इस ईद को बड़ी खुशी से मनाते हैं। और ये बड़े जो हुसैनी आलम यहाँ पर जो माने जाने पीरा हैं, ये सब मिलजुल कर सब इकट्ठा होकर जिस तरह पोला मनाते हैं, इस तरह ये भी ईद मुहर्रम सब हर कास्ट के लोग, गांव से, दूसरे गांव से, शहरों से, हर तरफ से लोग आकर ये ईद को बड़ा खुशी मनाकर हज़ारों की तादाद में लोग रहते हैं। और ये जिसको मिलजुल कर गंगा जमुना की तहरीक समझ कर ये मना कर हमारे तरफ से, जनाब गांव की तरफ से और गयास मासूलदार इंडियन न्यूज़ को बहुत बहुत शुक्रिया हम करते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई मेहदी हसन इंश्योरेंस फाइनेंशियल एडवाइजर LIC ऑफ इंडिया।